निशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोग के साथ लोहड़ी स्पेशल पंजाबी ट्रेडिशनल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। और ये मेकअप पंजाबी मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसके पहले मैंने नहीं किया था। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर आप लोग करिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पे ब्लॉग भी डालती हूँ, होम रेमेडी भी डालती हूँ और मेकअप लुक भी डालती हूँ, तो कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा जो आप लोग देखेंगे। तो चलिए आप लोग देख लीजिए इस मेकअप लुक को मैंने कैसे किया है। तो सबसे पहले मैं स्किन केयर करूँगी, तो यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया है। इसके बाद मैं टोनर अप्लाई करूँगी, तो टोनर मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। स्प्रे कर लेंगे फेस पे और उसके बाद ड्राई होने देंगे। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर सीरम अप्लाई करेंगे। तो टोनर ड्राई हो गया है, ये ग्लो टोनर है, आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, फेस पे ग्लो दिख रहा है। और जब टोनर या रोज वाटर जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं ड्राई हो जाए उसके बाद आगे का स्टेप करें। इसके बाद मैं सीरम ले रही हूँ, तो ये है गुड वाइब्स का रोज लिप सीरम। सीरम को मैंने ज़्यादा अमाउंट में लिया था और लगाने के बाद मैंने मसाज किया है। विंटर में जब आप सीरम अप्लाई करें तो थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करें समर के अकॉर्डिंग। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। तो मॉइस्चराइजर भी मैंने अप्लाई कर लिया और सिर्फ मैंने स्किन केयर किया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी। तो प्राइमर के लिए मैंने लिया है इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर और ये ऑल टाइप स्किन के लिए है और ये बहुत अच्छा है, आप लोग ने ट्राई नहीं किया है तो कर सकते हैं। और बजट फ्रेंडली भी है, 250 में मिल जाता है और पोर्स को अच्छे से फिल कर देता है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा है। और जहाँ ओपन पोर्स है वहीं पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमर जरूर लगाएं, प्राइमर लगाना जरूरी होता है। प्राइमर आप नहीं लगा रहे हैं तो एलोवेरा जेल आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे ओपन पोर्स है फिल हो जाता है। तो जो भी बीबी सीसी क्रीम हम अप्लाई करते हैं तो स्किन के अंदर तक नहीं जाता है, तो पिंपल्स वगैरह नहीं निकलते हैं, तो प्राइमर जरूर अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैंने प्राइमर भी अप्लाई कर लिया और इसके बाद मैं सबसे पहले आई मेकअप करूँगी। तो सबसे पहले मैं आईब्रो को फिल कर लेती हूँ। तो आईब्रो को फिल करने के लिए स्विच ब्यूटी का मैंने यहाँ पे ब्राउन आईब्रो पेंसिल लिया है, इसी से मैं फिल करूंगी। तो आईब्रो फिल करने से पूरा लुक चेंज हो जाता है और ब्राउन कलर फिल करते हैं तो नेचुरल लगता है, तो ब्राउन कलर ही फिल करें अच्छा लगता है। तो कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ इनवाइबे का लिक्विड कंसीलर और मेरे पास जो कंसीलर था वो फिनिश हो गया था, इसके पहले भी मैंने ये यूज किया था, ये मैं तीसरा मंगाई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये आपको मिल जाएगा 195 में, इसको आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आई मेकअप करने वाली हूँ, तो आई लिड पर मैं अप्लाई करूँगी आई मेकअप करने के लिए। तो मैं आईब्रो के ऊपर भी कंसीलर अप्लाई करूंगी कि आईब्रो थोड़ा उभर के आए और नीड और क्लीन दिखे। तो ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पानी में डिप करके रखा था और यूज करने के टाइम पानी सारा इसका निकाल लें। जब आप स्किन केयर कर रहे हैं उसी टाइम ब्यूटी ब्लेंडर को आप पानी में डाल दीजिए और उसके बाद आप जब ब्यूटी ब्लेंडर यूज करेंगे तो ब्यूटी ब्लेंडर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से ये आपके फाउंडेशन और कंसीलर को ब्लेंड करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अपने कंसीलर सेट करने के लिए लूज पाउडर ले रही हूँ, ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिशिंग पाउडर है और विंटर में हमेशा लूज पाउडर आप अप्लाई करें। कंसीलर तो मैंने सेट कर लिया, इसके बाद मैं आई मेकअप करूंगी। आई मेकअप करने के लिए मैं ये कलर स्टूडियो का पैलेट यूज कर रही हूँ और ये फर्स्ट टाइम मैं यूज करूंगी। जब मैंने लिया था तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था और लिंक भी प्रोवाइड किया था, ये मैं अमेजोन से ली थी 299 में। तो इसमें बहुत सारे कलर हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो मैं ब्राउन कलर लूंगी। जब भी आई मेकअप करें तो स्लोली ब्लेंड करें। तो ये ब्राउन कलर जो है क्रीज लाइन के ऊपर मैंने अप्लाई किया है और रेड कलर लूंगी तो क्रीज लाइन पे मैं अप्लाई करूंगी।
क्रीज लाइन पे और आउटर वी पे और इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, सेंटर में छोड़ देंगे। स्लोली ब्लेंड करेंगे, जब तक अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए तब तक ब्लेंड करते रहेंगे। तो अच्छे से ब्लेंड हो गया और सेंटर में अगेन मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, उसके बाद येलो कलर अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ, फिंगर से ही मैं अप्लाई करूंगी। तो मैंने येलो कलर अप्लाई कर लिया, इसके बाद मैं ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी कि आई मेकअप ब्लेंडेड लगे। इसके बाद ये गोल्डन मैं ले रही हूँ लिक्विड, और जो येलो कलर है उसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी। कैमरा मैंने दूसरे आंखों में भी मेकअप कर लिया। तो काजल मैंने ऊपर और नीचे दोनों अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं आईलाइनर अप्लाई करूंगी। तस्वीर ब्यूटी का ये लिक्विड आईलाइनर मैंने लिया है। और जब भी लिक्विड आईलाइनर लगाएं तो स्लोली लगाएं, नहीं तो पूरा आई मेकअप खराब हो जाता है। और सेंटर पार्ट से लगाएं आईलाइनर। छोटा सा मैं विंग बना रही हूँ और इनर कॉर्नर पे भी मैं आईलाइनर को अप्लाई कर लूंगी, इससे आंखें बड़ी लगती हैं। और ये आईलाइनर बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फाउंडेशन मैं ले रही हूँ NYB का, और इसमें एप्लीकेटर नहीं है बट फाउंडेशन बहुत अच्छा है। और मेरा शेड है 01। पूरे फेस पे मैं डॉट डॉट करके लगा लूंगी। और ये बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। 200 के अंदर बेस्ट फाउंडेशन है, मीडियम कवरेज देता है। तो फाउंडेशन ब्लेंड हो गया, इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी। इसके बाद फेस को कंट्रोल करूंगी। मैं फोरहेड पे ही ज्यादा कंट्रोल करती हूँ, मेरा माथा बड़ा है तो नोज करने की मुझे जरूरत नहीं लगती है। थोड़ा सा नोज पे भी मैं लगा लूंगी। और ये कंटूर के लिए ले सकते हैं NYB का फाउंडेशन कंसीलर है, इसमें का आप ब्राउन शेड लेके कंटूर कर सकते हैं। कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड हो गया, इसके बाद मैं अपनी कंसीलर और फाउंडेशन को सेट कर लूंगी रूज पाउडर से। अगर मैं रेड कलर ले रही हूँ और अपने वाटर लाइन पे मैं ड्रॉ करूंगी कि आई मेकअप और भी अच्छा लगे। तो आप लोग देख सकते हैं पहले से और भी आंखें मेरी बड़ी दिख रही है। चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आंखें बड़ी दिखती है। नीचे भी आप वाटर लाइन पे आई शेडो अप्लाई करते हैं तो। और हल्का सा ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। आई मेकअप जब ओल्ड रहता है तो ब्लशर को हल्का ही अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद मैं हाईलाइटर अप्लाई करूंगी। हाईलाइटर पॉइंट है वहाँ वहाँ मैं हाईलाइटर अप्लाई कर लूंगी। और किसको किसको हाईलाइटर पसंद है कॉमेंट करके जो बताएं। इसके बाद ब्रो बोन को हाईलाइट करूंगी कि आई मेकअप और भी अच्छे लगे। तो लिपस्टिक भी मैंने अप्लाई कर लिया। और जब भी लिपस्टिक और आई मेकअप बोल्ड रखते हैं तो आप ब्लशर कम लगाएं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रही हूँ। और पूरे मेकअप को सेट करने के लिए इनसाइड का मैंने सेटिंग स्प्रे लिया है। आप फेस पे डायरेक्ट स्प्रे भी कर सकते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा। और मैंने हेयर स्टाइल भी बना लिया है। बाल तो मेरे छोटे छोटे हैं, मैंने नकली बाल लगाए हैं। और मेरी छोटी को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना, जो परंदे थे मेरे पास थे नहीं तो मैंने DIY करके लगाया है। ये लेस है और ब्लाउज के जो लटकन है उससे मैंने बनाया है और लगाया है। और ये मेकअप लुक आप हल्दी में कर सकते हैं, शादी पार्टी में कर सकते हैं, लोहरी में कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा है मेकअप करके। पहली बार मैंने अपने कल्चर से हट के पंजाबी लुक किया है और ये फर्स्ट सूट मेरा
मेरा पंजाबी है, मैं इस तरीके के सूट पहनती नहीं हूँ। जब मैंने स्टिच कराया था तभी मैंने सोचा था कि मेकअप लुक मैं करूँगी, फाइनली लोहरी पे मैंने किया। आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर आप लोग करिएगा। चैनल पर फर्स्ट विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।